तो पार्ट टू में आप लोगों ने देखा कि अचानक एक जोर की बिजली कड़कती है और एक छाया दिखाई देती है। असल में वो एक डरावनी चुड़ैल होती है जो उस कुएं से आई होती है। अब वो महिला कहती है कि हमें उस चुड़ैल से नजर नहीं हटाना है, नहीं तो वो हमें कुएं के अंदर ले जाएगी। पर तभी हवलदार डर कर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो चुड़ैल उसे छूकर राख में बदल देती है और वहां से गायब हो जाती है। तभी वो तीनों देखते हैं कि दीवार पर खून से लिखा हुआ है कि तुम्हें कुआं को भूखा नहीं रखना है। अब वो पुलिस वाला कहता है कि इस कुएं की भूख मिटाने के लिए हमें पूरे गांव के लोग चाहिए होंगे, जिससे वो महिला कहती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि किसे पता कि कौन कब मरेगा। पर वो पुलिस वाला कहता है कि सभी एक साथ मारे जाएंगे और वो पुलिस वाला गांव के मेले में एक बिजली का तार गिरा देता है जिससे सभी लोग मारे जाते हैं। अब वो पुलिस वाला उन महिलाओं के साथ मिलकर सभी लाशों को कुएं में डाल देता है जिससे कुआं बदले में उन्हें ढेर सारा सोना देता है। पर उस पुलिस वाले की लालच यहाँ पर खत्म नहीं होता है और वो दोनों महिलाओं को भी कुएं के अंदर धक्का दे देता है और अकेले ही सारे सोने का मालिक बन जाता है।